हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगोर में आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं एक सिंपल सा अच्छा सा डिजाइंड लेटर पैड, या हम कह सकते हैं लेटर हेड। जी हाँ, लेटर हेड और लेटर पैड्स की ज़रूरत अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस को पड़ती है। अपने ऑफिसर्स के अंदर भी कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स इशू करते वक्त अपने लेटर हेड पर ही जब आप स्टैंप और सिग्नेचर के साथ चीज़ें इशू करें तब आपके रेपुटेशन भी अच्छी बनती है, आपका ब्रांड या आपका गुडविल भी अच्छा बनता है। तो कई बार डिज़ाइनर्स से या DTP ऑपरेटर्स से, ग्राफिक डिज़ाइनर्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भैया अच्छा लेटर हेड या लेटर पैड बना करके दीजिए और ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्किल्स जानते हैं तो यू विल बी गुड एट डिजाइनिंग आल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये डिजाइन बहुत ही सिंपल सा बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिंपल डिजाइन ऑफ लेटर हेड और अ लेटर पैड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट और हम एक सिंपल सा डिजाइन आज बना करके देखेंगे लेटर हेड का, लेटर पैड का, किस तरह से एक ऑफिस में, एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सिंपल सा अगर आपको डिजाइन करना है लेटर हेड तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप चलिए इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में से शेप्स में जाकर के लाइंस यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइंस होती है ना, ये कई बार बहुत सिंपल और उपयोगी साबित होती है। इनके जरिए यू कैन इजिली क्रिएट सिंपल डिजाइन। तो यहां पर मैंने इंसर्ट में जाकर के शेप्स में जाकर के लाइंस ले लिए। जी हाँ, ये लाइन जो है दोस्तों, ये आपकी हेल्प किस तरह से करेगी जरा देखिए। यू विल कम हियर और यहां से आप शिफ्ट होल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रिएट कीजिए। शिफ्ट होल्ड करने से ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधी बनती है। आप इसी लाइन को दोस्तों सिलेक्ट करके यहां ऊपर जो शेप आउटलाइन दिया हुआ है ना, इस पे चले जाइए। यहां जाकर के आप इसका वेट जो है इसको इंक्रीज कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ी थिक कर लीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा डार्क बना दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों अब इसी लाइन को आप कर लीजिए डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के लिए हमारा शॉर्टकट है Ctrl+D से सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D प्रेस कीजिए तो एक और लाइन क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल होल्ड करके जरा सा इसे सेट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो लाइन है वो अच्छे से बन जाएगी और सेट भी हो जाएगी। दो लाइंस की जरूरत है, दो लाइंस आप बना लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए इनके बीच में और कुछ इस प्रकार इन्हें सेट कर दीजिए। यस, दोनों लाइंस काफी अच्छे से जब सेट हो जाए तब आपका काम आगे का इजी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर आपको लिखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं सपोज स्काई एजुकेशन यहाँ पर लिख दिया मैंने। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह लिख दीजिएगा। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, आपको साइज पता ही है कहाँ से इंक्रीज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इधर पे ऑप्शन है, यू कैन इजीली इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज ठीक है, आप इंक्रीज कीजिए। मेन काम अभी हमें क्या करना है, तो आपको जाना है इंसर्ट में, सिलेक्ट करके रखिए, सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में यहाँ इस कोने में आपको ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का। ये वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ढेर सारे वर्ड आर्ट हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे वो एक वर्ड आर्ट ले लीजिए। मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, वो वर्ड आर्ट का डिजाइन यहाँ पर आपके सामने नजर आ जाएगा। आप जैसा ठीक समझें वर्ड आर्ट ले लीजिएगा, डिजाइन ले लीजिएगा, इसको सिलेक्ट करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। What you can also do is आप यहाँ पर ऊपर फॉर्मेटिंग में खेल सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, इसे हमेशा आप कोशिश कीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखने की। पोजिशन में कोई एक अच्छा पोजिशन सेंटर वाला ले लीजिएगा और ये जो बॉक्स जिसके अंदर ये वर्ड आर्ट आया हुआ है इसे कुछ इस तरह से आप सेट कीजिए। साथ ही साथ इसको अगर आपको फिल करना है कलर के साथ तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ से आप कलर ले लीजिए और शेप फिल है ये, इसके अलावा नॉर्मल फिल लेना है तो टेक्स्ट फिल ले लीजिए। यहाँ से आप टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं, तो दिस इज योर टेक्स्ट फिल। इस प्रकार ये टेक्स्ट फिल हो गया। ओके, और बड़ा करना है साइज वगैरह तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपना नाम जो है वो अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। आप कोई भी दूसरा वर्ड आर्ट ले सकते हैं, कोई भी दूसरी डिजाइन लेकर के इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये दो लाइंस जो हैं इनके बीच में मुझे कुछ अच्छे से यहाँ पर लिखना है जो कि मेरी कंपनी को
पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर पाए। मैं जाता हूं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में यहां पर दोस्तों मुझे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का। जी हाँ, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। इसी टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एरो के ऊपर यहां पर, और नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके कर्सर पे ये एक प्लस साइन आ जाता है, यहां से आप कर्सर को क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए और अब आप उसी के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहां टाइप करता हूं वी स्पेशलाइज इन। यस, मैं यहां टाइप कर देता हूं वी स्पेशलाइज इन, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां मैं टाइप कर देता हूं वी स्पेशलाइज इन, और मैं अपनी कंपनी के बारे में लिख रहा हूं। आप जो भी अपना लेटर हेड बनाए उसके बारे में लिख दीजिएगा। बेसिकली यूजुअली सिंपल लेटर हेड्स कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, और वही हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर बनाने की, एकदम सिंपल डिजाइन। और ये काफी बेसिक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हो जाता है। लोग कई मशक्कत लगा करते हैं इसके लिए, पैसे वगैरह देते हैं डीटीपी ऑपरेटर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को, तब जाके ये ठीक से बन पाता है। और वाकई में कितना आसान है वो आज ही आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन ईजीली क्रिएट दिस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको सेंटर में ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पर इसके साथ खेल सकते हैं। टेक्स्ट फिल कर लीजिए, इसको ब्लैक दे दीजिए। थोड़ा अगर आपको लगे कि यार ये तो नज़र नहीं आ रहा है ठीक से, तो आप यहाँ से थोड़ी सी लाइन को नीचे ले लीजिएगा, और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने अभी भी लिया है, इसे थोड़ा सा आप शिफ्ट करके बड़ा कर सकते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए। यस, तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली राइट बिटवीन दीज टू लाइन। साथ ही साथ अगर आपको लगता है ये टेक्स्ट की आउटलाइन खटक रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आप फॉर्मेट में जाइए ऊपर, आप शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दीजिए, तो आउटलाइन भी चली जाएगी और सोफिस्टिकेटेड लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी। इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट किया मैंने, यहाँ ऊपर लेकर आ जाता हूँ इस तरफ, और यहां पर मैं लिखता हूं जीएसटी नंबर। ये अक्सर होता है दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल यानी लेफ्ट साइड कर दीजिएगा। इसे आप जरूरत के हिसाब से आप छोटा भी कर सकते हैं। जीएसटी नंबर है यहां पर, अक्सर आता है वो नंबर लेटर हेड पर, अक्सर कंपनीज जो हैं वो लिखती हैं जीएसटी नंबर को। इसको थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी करके फिर एक बार इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, इस तरफ अब लेकर आ जाता हूं। यहां पर दोस्तों अक्सर लिखा जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। जो बेसिक चीजें हैं वो हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहां पर मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों बेसिक सा डिजाइन बनता जा रहा है। फिर एक बार मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स एक ही बार आपने लिया और फिर उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, काम एकदम आसान। यहां पे दोस्तों लिखेंगे डेट, क्योंकि हर लेटर हेड पे जरूरत होती है, प्रॉपर डेट होना ही चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट है तो उसमें डेट तो जरूरी है, कब कौन सी चीज आपने दी है, इशू की है, पता होना चाहिए। और इस तरफ दोस्तों रेफरेंस नंबर भी कई जगहों पर लिखा होता है, ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिख सकते हैं, रखना है रख सकते हैं, नहीं रखना है नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका बेसिक सा सिंपल सा लेटर हेड बन के हो गया है तैयार। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके हाउ डज इट लुक। जी हाँ, अब ये लेटर हेड तो बन चुका है, इसमें एक ही चीज़ अब बाकी है, वो है एड्रेस लिखना। तो आप इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लीजिए कंट्रोल डी करके, और नीचे की तरफ लेकर आ जाइए यहाँ, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और फिर से एक बार टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं हम, डुप्लीकेट कर देते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और डुप्लीकेट करके अब मैं दोस्तों इसको लेके आता हूँ नीचे, उठा करके यहाँ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एड्रेस लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर कंपनी का एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि A40 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा एड्रेस। ये हो गया एड्रेस का काम। तो इस प्रकार दोस्तों आप इजीली एड्रेस लिख करके अपने सिंपल तरीकों से लेआउट ऑप्शंस हैं सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड वगैरह कीजिए, आपको साइज वगैरह इंक्रीज करनी है वो भी कर सकते हैं। जब आप साइज इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को मूव करना पड़ सकता है।
तो इस प्रकार दोस्तों इजीली यू हैव क्रिएटेड अ लेटर हेड इन सिंपल बेसिक वे। आप और क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर के अलग अलग शेप्स ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ दो ही लाइंस ली थी, आप कोई भी शेप्स लीजिए, उसके साथ खेलिए और एक बेहतरीन आप लेटर हेड बना सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। हालांकि लेटर हेड बहुत ही सिंपल और डिसेंट होते हैं क्योंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है। अंत में अगर आप चाहें तो इसे बॉर्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ और स्क्वायर को इसके ऊपर डाल देता हूं। जब आप पहली बार एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो वो कलर वाला होगा, तो वो सभी चीजों के ऊपर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिलेक्ट करिए, शेप फिल में जाके उसे नो फिल कर दीजिए, तो यहां से उसका कलर चला जाएगा और हमारी चीजें जो है वो आपस से दिखने लगेंगी। शेप आउटलाइन में जाइए, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा वेट दे दीजिए, थोड़ा सा बॉर्डर मिल जाएगा और आपका लेटर हेड बनके हो जाएगा तैयार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, किस तरह से यू कैन डिजाइन अ बेसिक 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 लेटर हेड और लेटर पैड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पेज फॉर योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कवर पेज भी आप इसी तरह बना सकते हैं, डिजाइन आप इसी तरह बना सकते हैं। देखते ही देखते दोस्तों हमने इंसर्ट टैब के टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट के ऑप्शंस को भी सीख लिया। कुछ और मजेदार ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाकी हैं, वो भी कुछ ही दिनों में हम देख लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर और अलग अलग टैब्स कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।